जैसे अभी आपने कहा कि आपको बैग्स इकट्ठे करने का बहुत शौक है, तो वैसे कभी इकरा के पास भी बहुत बैग्स होंगे, बहुत हैं, तो वैसे कभी आपने सोचा कि कोई इकरा का बैग आपको पसंद आ गया वो कैरी करके जाए आप कहीं? उसने अभी एक डेनम का बैग मैंने उसके पास देखा, थैले जैसा ही है वो, तो वो मैंने उसे दो तीन दफा पूछा कि ये बैग किसका है, तो उसने मुझे कहा कि मैंने एक जीन्स खरीदी है वो इस थैले में आई है, कोई बैग नहीं है उस पर मेरी नजर है। नजर है आप, नजर है, और बहुत जल्द आप यासिर हुसैन को देखेंगे एक नया, जैसे उन्होंने ये तो हमारे ऑडियंस हमें बता रही है, ऑडियंस की तो राय तो सही होती है, अगर वो कह रही है कि ट्रेंड कर रहा है आपका बैग तो फिर वाकई में ट्रेंड कर रहा है। अगर वो कह रही है तो ऐसा होगा। मैं सोच रहा हूँ मैं भी एक बैग रख लूँ अपने साथ आते जाते हुए, बहुत सारी चीजें उसमें कैरी करने में आसानी। हाँ, अच्छी बात है, ऐसे लोग जेबें लटका के घूम रहे होते हैं। हाँ, अच्छा नहीं लगता। तो देखा लोगों की पतलूने लटक गई हैं, इतना सामान डाला हुआ जेबों में, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, गलत चीज है। और वैसे भी फोन को अपने से दूर ही रखना चाहिए। आपने इस्तेमाल करना छोड़ दिया फोन अपना? फोन को मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि करीब न, कई लोग इस पॉकेट में उन्होंने फोन डाला था, उससे भी वो अच्छा नहीं है, रेडिएशन और रेडिएशन के लिए बिल्कुल। जैसे मुझे एक बात बताएं, क्योंकि आप अभी हमारी ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी पाकिस्तानी कंटेंट को लेके, फिल्मों के ड्रामों का, बिलफर्ज अगर आपको मौका दिया जाए आप किसी बहुत बड़े टीवी चैनल के कंटेंट हेड बन जाएं, तो आप किस तरह का कंटेंट बनाना पसंद करेंगे, किस तरह की कहानियां आपका चैनल बताएगा, थोड़ा बताएं ना हमें। आई थिंक मैं वही बनाऊंगा, क्योंकि सिस्टम जो है ना वो एक सिस्टम बना हुआ है, आप उससे अभी नहीं निकल सकते फौरन, आहिस्ता आहिस्ता ही अवेयरनेस आएगी। देखें अभी अगर पाकिस्तान में कार्ड सिस्टम आ जाए ना, जो दुनिया में होता है कि आपने इस चैनल का कार्ड ख़रीदा हुआ है मंथली, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है बेसिकली और आप उसको देख रहे हैं, अगर ये शुरू हो जाए ना यहाँ पे, तो सारा केबल तो फ्री है ना हर चैनल, अगर ये शुरू हो जाए तो चैनल्स ज़्यादा मेहनत करेंगे, एक बाकायदा तौर पे एक जंग चलेगी अच्छे एक्टर्स को लेने की, अच्छे डायरेक्टर्स से काम करवाने की, अच्छे स्टोरीज लाने की, यूनिक कंटेंट लाने की, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हमारा जो है ना ये सब्सक्रिप्शन कम लोग ले रहे हैं। ठीक है, जैसे नेटफ्लिक्स पे क्यों अच्छा कंटेंट है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम नहीं अच्छा कंटेंट डालेंगे तो प्राइम डाल देगा और उसकी सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगी और हमारी कम हो जाएगी। अभी तो ये कि आप आ रहे हैं बस, तो चल रहा है सब, और हमारे पास तो एक्सेस भी कम है, लोगों के पास तो HBO और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे। अब आप देखें ना, हम कहते हैं हमारा ड्रामा, हमारा दुनिया भर में कौन देखता है हमारा ड्रामा? बहुत लोग देखते हैं यासिर, ये बात तो मैं डिसएग्री करूंगा आपकी बात से। अच्छा, जितने लोग HBO देख रहे हैं दुनिया में उतने लोग हमारा ड्रामा देख रहे हैं? नहीं, आई डोंट नो, मतलब रिसेंटली आपके ड्रामों ने हमारे ड्रामे से ज्यादा 2 अरब 3 अरब से ज्यादा क्यूमुलेटिव व्यूज, दैट्स अ लॉट, 8 बिलियन तो लोग हैं यासिर दुनिया में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि ये वन ऑफ ड्रामा था ना, कोई एक का ड्रामे ने ऐसा काम किया है, ड्रामे देखे जाना, जैसे नेटफ्लिक्स की सीरीज आपने भी देखी है, अमेरिका में उन्होंने लोगों ने भी देखी है, टर्किश ने भी देखी है, जर्मन ने भी देखी है, सब ने देखी है। ये मैं कह रहा हूँ कि जिनका ड्रामा ज़्यादा देखा जा रहा है वो कोरियंस हैं, हम भी देख रहे हैं उनका ड्रामा, और भी लोग देख रहे हैं उनका ड्रामा, टर्किश का ड्रामा सब लोग देख रहे हैं, हमारा ड्रामा उतना लोग नहीं देख रहे, हमारा ड्रामा हमारे ही लोग देख रहे हैं या बेचारा पड़ोसी देख रहा है उसके मुकाबले में, आप कह रहे हो, वरना अदरवाइज अगर देखा जाए तो हमारे ड्रामे की रीच तो काफ़ी स्ट्रांग है। उस तरह हमारे ड्रामा जरूर स्ट्रांग है, लेकिन कोई आप क्वालिटी देखें ना, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं किसी कोरियन ड्रामे से? नहीं कर सकते हैं। किसी नेटफ्लिक्स के ड्रामे से, अंग्रेजी से? एक थी लैला को कर सकते थे भाई, तालियां इस बात के ऊपर, एक थी लैला को कर सकते आप बनाए ना, आप और मजीद कंटेंट। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमें ना सच को सच मानना चाहिए, कोई इतनी बुरी बात नहीं है। ठीक है, हमारा क्रिकेट जो है ना टैलेंट, वो दुनिया में देखे ना उस स्टैंडर्ड का है, हमारे म्यूजिक का जो टैलेंट है ना वो दुनिया में उस स्टैंडर्ड का है, कि जहाँ सबसे अच्छे बड़े सिंगर्स, मतलब नुसरत फतेह अली खान के साथ माइकल जैक्सन भी कोलैबोरेट करना चाहता था, AR रहमान भी कोलैबोरेट करना चाहता था, दो दो तीन तीन दफा ऑस्कर विनर जो लोग हैं, ठीक है, और बहुत दफा किया भी लोगों ने, ये वो टैलेंट था हमारे ड्रामे में। कोई दुनिया का एक्टर काम, बट हमारे बहुत सारे ड्रामों के एक्टर्स सरहद पार गए हैं वहाँ पे, उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज के साथ। बिल्कुल गए हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखें ना आप बस यहीं सरहद पार तक पहुंचे, तो मैं भी एक छोटी सी फिल्म करके आया था वहां पे, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि हम नेटफ्लिक्स तक पहुंच गए यासिर, लोग हमारे नेटफ्लिक्स तक पहुंच गए लोग। हाँ, हर हफ्ते एक सीरीज आ रही है नेटफ्लिक्स पे। अभी तक तो कुछ नहीं आया, जब आएगा तो होगा, मतलब शुरू हुआ है अभी, हम अभी वहां पहुंचे नहीं है जहां हम बता रहे हैं कि हम पहुंच गए। ठीक है, समझ रहे हैं, ये वाली बात है। दो तीन अगर आप कोई मशवरा इंडस्ट्री को देना चाहें जिससे ये रास्ता और तेजी से हम पार कर सकें, तो वो क्या होंगे? यार मैं कौन होता हूँ इंडस्ट्री में? नहीं, आपकी समझ नहीं, है मैं आप एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। देखिए, मुझे कोई मांग तो नहीं रहा मशवरा, मैं मांग रहा हूँ। मैं, हाँ, मैं मांग रहा हूँ, मैं आपको पर्सनली मशवरा दे सकता हूँ, इंडस्ट्री को क्या मशवरा दूँ? क्यों इंडस्ट्री, देखें इंडस्ट्री का काम है पैसे कमाना, वो कमा रही है, इसका मतलब चल रहा है सब कुछ, बट इट्स हाई टाइम कि अब हम क्वालिटी पे
कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दें। हमारे ड्रामे की प्रोडक्शन जिस तरह की हो रही है, जिस मुश्किलात से गुजरना पड़ता है लोगों को, उसमें वो ख़त्म हो जाना चाहिए। अब अगर हमारा ड्रामा वाकई इतना चल रहा है और अरबों हम कमा रहे हैं बकौल आपके, तो फिर तो वो नज़र भी आना चाहिए ना, एक्टर्स की लाइफ में भी नज़र आना चाहिए, टेक्नीशियंस की लाइफ में भी नज़र आना चाहिए। ठीक है, अभी पिछले दिनों दो टेक्नीशियंस जिनको मैं पर्सनली भी जानता था, वो एक सामान से भरे ट्रक में आ रहे थे जिसमें लाइट्स थी और लोहे का जितना हमारा ये इक्विपमेंट होता है, वो उसका ट्रक था, वो ENG की वो वैन थी, उसके ऊपर वो बैठे हुए थे क्योंकि ज़ाहिर अंदर बैठने की जगह नहीं थी और उसका एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों मर गए। सही है, तो ये लेवल है हमारी प्रोडक्शन का। आप कहीं और दुनिया में हादसात होते हैं, बट इस तरह के हादसात नहीं होते कि आप ट्रक के छत पे बैठ के आने पे मजबूर हैं और बेसिक लेवल पे भी बेसिक लेवल पे चीज़ें हो रही हैं। सही है, कोई सेट गिर जाए, किसी का कुछ हो जाए तो ठीक है, कोई हादसा हो गया, लेकिन ये तो वो वाले हादसे हैं कि ये बेहतर किए जा सकते थे, प्रिवेंट किए जा सकते थे। जहाँ पे क्वालिटी कंटेंट की बात हो रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा जो अगला सेगमेंट है वो बड़ा ही एक नए तर्ज का ज़बरदस्त सेगमेंट है, क्योंकि हम आपकी मुलाकात कराएंगे ख्वातीन हज़रात ब्रेक के बाद बाजी के साथ, और ये ऐसी बात वाकई एक बिल्कुल नया आप सेगमेंट लाए कि नुमान एजाज के शो में नहीं था। उनके पास वो वाली बाजी नहीं थी जो सब जानती है, और मैं लगाना प्लीज मैं अभी हाँ क्यों नहीं वो जो सेगमेंट था नकल के लिए अकल, हाँ वो सही नाम रखा आपने, क्योंकि ये पूरे शो का सेट जो है ना वो मेरे शो से बंद करते, शो बंद करने क्या चाहते हैं आप? नहीं, अब शो जैसे जैसे आगे जा रहा है मैं खुलता जा रहा हूँ। क्या चाहते हैं आपने? मुझे कहा था ना आपने खुल के शो करने, खुल के करे, मैं तो मुझे मैं कर रहा हूँ खुल के, क्यों आप करने भी नहीं दे रहे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बाजी से आपकी मुलाकात कराएंगे। डेंजरस बाजी है ये, बाजी ऐसी बाजी है जो सब जानती है। अच्छा जी, सुनने में कितना वियर्ड लग रहा है ना, आप ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी बाजी से मुलाकात कराएंगे। ये तो आपका दिमाग किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, वरना तो बाजी के बारे में ऐसी सोच आनी नहीं चाहिए। सुनने में अजीब लग रहा है ना ये आपके मुंह से सुनने बाजी के बारे में ऐसी सोच आनी नहीं चाहिए। अरे बाजी से दो तीन सवाल मैंने भी ऐसे रखे हुए हैं जो मैं चाहूंगा कि मैं पूछूं, और वो दो तीन महीने पहले की इनकी एक्टिविटीज है उसके बारे में भी बता सकती है कि क्या होने वाला है या क्या हुआ है। दो तीन महीने वाली ही पूछना, उससे पहले वाली नहीं पूछना। छह महीने वाला पूछू? छह महीने वाला ना पूछना है, छह वाला ना पूछू? नहीं पूछना प्लीज, देखते हैं छह वाला ही पूछेंगे। ख्वातीनों ज़रा आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद।